नमस्कार साथियों, जय किसान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो इस समय बोनी का टाइम आ गया है और बोनी चना मसूर अन्य प्रकार की जो बोनी है वो इस समय किसान भाइयों के द्वारा करने की तैयारी चल रही है। बहुत से किसान भाइयों के द्वारा कमेंट्स आ रहे हैं कि आप हमको बीज उपचार के बारे में जानकारी दीजिए और बीज को किन दवाओं के द्वारा उपचारित करें जिससे मृदा जनित बीमारी और जो बीज में बीज जनित बीमारी हैं उनसे किसान भाई निजात पा सकें। तो इस तारतम्य में यहाँ हमारे यहाँ UPL कंपनी के एथराइज डीलर हैं, तो दवाई के जो कीटनाशक दवाइयों के विक्रेता हैं, आज हम उनसे मिलाते हैं कि वो इस समय UPL कंपनी के द्वारा चना मसूर गेहूँ गन्ना और जो इस समय सीजन में जो बोनी की जा रही है उनके लिए हमारे किसान भाइयों को किन किन बीज उपचार की दवाइयों के बारे में रिकमेंड कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। हमारे किसान भाइयों की इस समय एक बहुत बड़ी डिमांड है कि इस समय जो बोनी का टाइम आ रहा है उसके लिए बीज उपचार का बहुत महत्व है। थोड़ा सा आप बीज उपचार के महत्व के बारे में जानकारी और कैसे करना चाहिए और किस किन किन दवाइयों का उपयोग करना चाहिए इसके बारे में थोड़े हमारे किसान भाइयों को जानकारी। क्योंकि अब हमारी खेती की पद्धति बदल रही है। पहले का जो किसान थे वो बिना बीज उपचार के बोनी कर देते थे। बाद में होता ये था कि बहुत मेहनत करने के बाद भी जब आखिरी समय में फसल आती थी या उसके पहले भी जो पौधे थे वो ऑटोमेटिक सूखते थे फंगस के कारण। या तो पानी ज़्यादा हो जाता था तो फंगस लगती थी या पानी कम के कारण फंगस फैल जाती थी, है ना। तो ये अब कंपनियों द्वारा कई प्रोडक्ट निकाले जा रहे हैं फंगीसाइड के रूप में, जो सीड ट्रीटमेंट करके बोने में ही अपन को लगता है कि जैसे अपन अगर 100% जो बीज है उसमें से 80% जर्मिनेशन बढ़िया हो जाता है। कुछ दिन अगर अपना बीज पड़ा भी रहे तो उस बीज को जो है नुकसान नहीं पहुंचता। फंगीसाइड अपन अगर डालें या थोड़ी सी कीटनाशक में जो उसको मिला के अगर उपचारित करके बोनी करें तो अगर थोड़े दिन बीज पड़ा रहे जमीन में, पानी की अगर कम है ज़्यादा है, कुछ दिन बाद अगर पानी मिलता है तो उससे बीज को पौधा बनने में सहायता मिलती है। जैसे गेहूँ में अगर जड़माहू लगती है आगे चल के तो गेहूँ को भी अपन इंसेक्टिसाइड से उपचारित करके बोनी करना चाहिए। इन सब चीज़ों से अगर आप बीज के समय बोनी के समय अगर इन चीज़ों का मिला के आप बोनी करते हैं तो आगे अपनी मेहनत भी बचती है, पैसा भी बचता है और अपना नुकसान जो फसल में होने वाला है वो बच जाता है। खेती की जो लागत है वो घट जाती है, लागत घट जाती है। अब मेरे पास जो अभी इस समय फंगीसाइड है UPL में, ये UPL कंपनी का फंगीसाइड है, कार्बोडाइम मैंकोजिप टेक्निकल है, सांप के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जब आप किसी बीज में चना या गेहूँ मिलाते हैं 250 ग्राम एक क्विंटल पे जाता है। अच्छा, मतलब 2.5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से अपन को मिलाना है। जी जी जी। तो ये इसको मिलाने में आपको पानी मिलाने की जरूरत नहीं रहती बीज में सींचने की, ऑटोमेटिक आप मिलाएंगे थोड़ा सा इसको उससे फावड़े से उसको जब मिलाएंगे ऑटोमेटिक पूरा बीज जो है आपके आपका साफ लेयर बन जाती है फंगीसाइड की। एक अपना ये UPL कंपनी का है प्रोवैक्स के नाम से। इसमें दो टेक्निकल मिले हुए हैं, एक कार्वाक्सिम प्लस थायरम। अच्छा अच्छा, ये डबल काम करता है। एक इसकी मात्रा के बारे में थोड़ा सा हमारे, ये 250 ग्राम एक क्विंटल में जाएगा तो अपन ये भी 250 ग्राम एक क्विंटल में 2.5 ग्राम प्रति एकड़ के जी, प्रति किलो के हिसाब से, प्रति किलो के जी जी जी। ये एक थायमेथाग्राम वाला टेक्निकल है रीनो के नाम से, UPL कंपनी का जी। इसको लगाने से आपके फसल आगे चल के दीमक की संभावना कम रहती है। तो जो एकदम से रस चूसक कीड़े लग जाते हैं फसल पौधा जो बीज उगने के बाद जी जी जी। तो वो उस 15 दिन से महीना भर ये इसको सुरक्षित कर देता है। कई बार क्या होता है कि पौधा अपना जो जैसे ही बीज पौधा बन के उगता है उस तरत में उसमें रस चूसक कीड़े झूम जाते हैं, और वो उसको पौधे को ख़त्म कर देते हैं। अभी राहर में हुई थी ये समस्या। अच्छा अच्छा अच्छा। 6-4 महीने पहले जिन किसान भाइयों ने बिना बीज उपचार के राहर बोई थी उनको कीड़े खा गए थे। बिल्कुल। तो ये मिला के बोने में बहुत हमारे किसान, इसको अगर आप मिला के बोएंगे तो आगे चल के जड़माहू की समस्या भी आने की संभावना नहीं रहेगी। अपन किसान भाइयों थोड़ा सा ये बताएं कि हम एक क्विंटल बीज लें
एक क्विंटल बीज के लिए इन तीनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन कैसा कैसा करना पड़ेगा? इन तीनों दवाइयों का नहीं, या तो आप फंगीसाइड में ये मिलाएं कार्बन डाइऑक्साइड मैंगोजेम, या थायमेथाक्साम में ये मिला दें रीनो में इंसेक्टिसाइड। अच्छा, इसको मिला दोनों सकते मिला सकते हैं जी, जी, या फिर प्रोवेक्सो ये रीनो मिला सकते हैं। अच्छा, ये दोनों, ये मतलब या तो अपन इसको डालें और ये इंसेक्टिसाइड डालें। अच्छा, ये फंगीसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, मतलब ये कीड़े को माहू वगैरह जो भी लगेगा उसमें आगे चल के चूसा कीड़ों से भी सुरक्षा करेगी, दीमक से भी करेगी। और इस समय नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, आपको नवरात्रि के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे दीपावली का त्यौहार आने वाला है जी, तो दीपावली के त्यौहार की भी एडवांस हमारी तरफ से, हमारी तरफ से भी हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नमा जी से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, और हमारे मित्र भी हैं, जब भी कोई दिक्कत आती है तो हम इनसे आके मुलाकात करते हैं, इनके जो दवा